इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्षेत्री इंदौर की टीम ने दबिश देकर किराए के मकान में रहने वाले संत कुमार यादव के कमरे की तलाशी ली है, जिसको पकड़े गए युवक के खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी किराए के मकान में रह रहा था, जिसके घर दबिश देकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्षेत्रीय इकाई इंदौर की टीम ने उक्त कार्यवाही की है। तलाशी के दौरान आरोपी से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ मिस फायर कारतूस के साथ खाली कारतूस भी बरामद हुई है। यह भी बताया जाता है कि आरोपी NDPS एक्ट का आरोपी है। उक्त धारा के तहत विवेचना करने टीम पहुंची थी, जिसके घर से भारी मात्रा में अवैध असलाह बरामद हुए हैं। फिलहाल विश्वविद्यालय पुलिस ने कनिष्ठ अधिकारी श्रीराम पांडे की शिकायत पर आरोपी संत कुमार यादव निवासी तुलसीनगर थाना विश्वविद्यालय के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया जाता है कि पुलिस अब अवैध हथियार सप्लाई करने वाले लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।